बेक पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये मैं व्हाइट सॉस में बनाऊंगी और उसके लिए मैंने 1 टीस्पून गर्म किया है ऑयल, व्हाइट ऑयल मैंने गर्म किया है। आप लोग चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। 4 से 5 गार्लिक को मैंने जस्ट हल्का सा हिला लिया है, उसे लाल नहीं करना है। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है यहाँ पे मैदा, और मैदे को भी स्लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। और उसके बाद डालना है यहाँ पे 2 कप दूध, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे सॉस, व्हाइट सॉस, तो उसके लिए 2 कप मैंने दूध डाला है। और जब हम लोग दूध डालते हैं गर्म कढ़ाई में और गर्म जो है मैदा के साथ ठंडा दूध जब डालते हैं तो इसमें लम्प पड़ जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लम्प पड़ चुके हैं। और ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए और भी लम्प इसमें मैंने डाला है, तो इसको जस्ट हल्का सा हम लोग ठंडा करेंगे और करने के बाद हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा हिला लेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ ग्रेवी बन जाएगा, मतलब कि ये सॉस बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने डाल दिया है इसमें गोलमरीच का पाउडर 1 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने डाला है यहाँ पे नमक। ध्यान रहे व्हाइट सॉस में नमक की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसे हम लोग स्लो फ्लेम में ही पकाएंगे, कंटिन्यूअस चलाते रहें, नहीं तो ये आपका जो व्हाइट सॉस है ये जल जाने का चांसेस रहेगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और इसे स्लो फ्लेम में ही मैंने पकाया है, बहुत जल्दी ठीक हो गया। और इसे मैंने हल्का सा ठंडा होने के बाद हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं व्हाइट सॉस बहुत ही स्मूथ हो चुका है, मतलब ग्राइंड करने के बाद इसमें ज़रा भी लंप नहीं है। आधे सॉस को मैंने बेक ट्रे में फैला दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं इस टिफिन में ही बेक करूंगी। और टिफिन को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और ये मैं पानी और नमक के साथ बॉईल किया हुआ पास्ता जो है उसके ऊपर फैला दे रही हूँ। पास्ता के ऊपर फिर से मैं व्हाइट सॉस फैला रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसे हम लोग जस्ट थोड़ा सा टैप कर देंगे। और आपके फ्रिज में जो भी इस तरीके के चीज़ हो, स्लाइस चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, मोज़रेला चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो वो इसमें डाल दे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सा चीज़ डाले, जो चीज़ आपके घर में उपलब्ध है वो चीज़ आप डाल दें। चीज़ जितना ज़्यादा डालेंगे यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे, सैंडविच या सलाद वगैरह में डालते हैं, ये चीज़ अमूल का है वो भी मेरे पास थे, उसे भी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। और मैंने डाला है यहाँ पे चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स भी तीखा हो जाता है। और ओरिगैनो मैं डाल रही हूँ, ओरिगैनो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें, मैंने जस्ट थोड़ा सा डाला है। ध्यान रहे ओरिगैनो ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक ही होता है, तो इसलिए थोड़ा ही फैलाएं लगने से, और फिर बाद में भी डाल सकते हैं। और गार्निश मैं थोड़े से कैप्सिकम से कर रही हूँ, जो क्यूब मैंने काट के रखा था पहले, उसे अच्छी तरह से ऊपर से सजा दे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है किसी भी इटालियन डिश में, और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चारों तरफ मैं कैप्सिकम फैला दे रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर दे। और मैंने अच्छी तरह से ट्रे को सजा लिया है। अब फ्लेम को हम लोग करेंगे ऑन, और इसे मैं 5 मिनट तक हाई फ्लेम में रखूंगी। मैंने नीचे कोई स्टैंड नहीं रखा है क्योंकि ये जो ट्रे है ये अटका हुआ है जस्ट ऊपर तक ही, और मैंने उसे ढक करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाया है। और फिर 25 मिनट मैंने स्लो फ्लेम में इसे छोड़ दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब टोटल 30 मिनट तक हम लोगों को इसे बेक करना है। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। हो चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं पास्ता का क्या हालत है। पास्ता बहुत ही सुंदर बेक हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग इसे निकालेंगे नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग गर्म में ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसका कलर और भी अच्छा हो जाए और भी थोड़ा सा जला जला वैसा कलर आएगा। और देखिए पास्ता हमारा कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।